नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं निशान मैग्नेट ओनर हूँ और कम से कम मुझे 11 महीने के आसपास हो चुके हैं निशान मैग्नेट चलाते हुए। और अभी मैं अगर गाड़ी देखोगे तो आप 23,515 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात है, हर कंपनी की सक्सेस के पीछे जो अगर मैं मानता हूँ, कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसके बाद में कस्टमर फीडबैक वगैरह होता है। बट जो निशान की एक अच्छी बात है, कंपनी का प्रोडक्ट है, वो शुरू में खूब नेगेटिविटी आई थी मैग्नेट के खिलाफ, कैसा है ऐसा ऐसा है, लेकिन जो कंपनी ने करके दिया है, ये जो इसके ऊपर वर्किंग करी है कंपनी ने, और इसको इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों से एक सस्ता और 4 स्टार जो रेटिंग है इन्होंने, 4.5 स्टार रेटिंग की जो इन्होंने पाई है, तो उसके बिहाव पे गाड़ी बहुत शानदार है। और अगर और मैं यही बात कर रहा था, कंपनी को जो बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं उसके एम्प्लॉय। निशान की सर्विस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ऐसे कोई वो नहीं है। और मैं अपने दोस्तों को और जो मेरे कलीग्स हैं उनको मैं खुद प्रेफरेंस करता हूँ कि निशान की मैग्नेट ले लो और कंपनियों के बजाय, क्योंकि यहाँ की सर्विस जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि एक तो पोलाइटली बिहेवियर और टाइमली, सब कुछ टाइमली करके देते हैं ये लोग सारे। और सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है आपको कि आपका टाइम बच रहा है, क्योंकि पैसा तो कमा ही लेता है इंसान, लेकिन जो टाइम होता है वो हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है आज की तारीख में, क्योंकि टाइम इज़ मनी बोलते हैं ना, कि टाइम को नहीं पकड़ सकते आप, टाइम तो चलेगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, लेकिन हकीकत ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट अपने आप को खुद को करना पड़ता है। जो टाइम आज तक मैनेज नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा। तो इसलिए निशान वालों की सबसे अच्छी सर्विस, उसके बाद में उनका फीडबैक कॉल, मतलब हर पॉइंट पे। अगर मैं गाड़ी की बात करूँ, मैंने जब गाड़ी ली थी शोरूम से, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो रोशन निशान है यहाँ पे, तो मैंने रोशन निशान से गाड़ी ली थी, तो उस टाइम पे शानदार तरीके से गाड़ी डिलीवर की उन्होंने, यहाँ तक कि मेरा पेमेंट उनके अकाउंट में आया नहीं था, जो शो होता है मैंने पैसे पेमेंट कर दिया था, लेकिन उनके अकाउंट में आया नहीं था। फिर भी रोशन निशान वालों की सर्विस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेमेंट नहीं आया, आप स्लिप वगैरह ले ली। उसके बाद में मुझे गाड़ी ले जानी थी और मैंने यही बोला कि जो मुहूर्त है ना मेरा मुहूर्त करने दो और आप आराम से, उसके बाद में गाड़ी जब तक पेमेंट नहीं आया जब तक मैं नहीं जाऊँगा। नियम के हिसाब से सही था, मैं वो भी सही थे, लेकिन उन्होंने मुझे गाड़ी दी और मुझे बोला कि कोई नहीं, अब गणेश जी जो मोती डूंगरी पे हमारे जयपुर में बहुत फेमस है, तो मैं गणेश जी की गाड़ी लेके चला गया और वहाँ पे जाके पूजन किया। तो मतलब एक इतना तक कोऑपरेट करते अपने साथ में, तो ये कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा निशान की जो रोशन की सर्विस है, वो सर्विस सेंटर पे भी एडवाइज़र है मिस्टर सुरेश जी, और वो बड़े शानदार हैं, हमेशा मेरी गाड़ी उनके पास ही जाती है, और बहुत अच्छे तरीके से वो बारीकियों से अपने बियाह पे, जैसे अपनी गाड़ी की कोई सर्विस करवा रहा हो या सफाई कर रहा हो, उस हिसाब से वो अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से क्लीन, अगर मैं जाता हूँ तो उस टाइम वापस से वॉशिंग, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सर्विस दे के एक हैप्पी कस्टमर बनाते हैं। और मैं चाहूँगा आप देखने वाले कि निशान की जो ये गाड़ी है मैं खूब चला दूँ, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मेरा रियल इस्टेट का जो बिजनेस है, तो आपको पता है कहाँ कहाँ पर जाना पड़ता है, तो इसलिए आप रियल इस्टेट बिजनेस में आप सब समझ सकते हो हमारी कहाँ कहाँ पर कॉलोनी आती होंगी। तो प्लीज़ 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 आप करें प्लान, और मैं तो यही चाहूँगा कि निशान, और निशान से एक छोटी सी शिकायत ये है कि निशान अपने नए मॉडल नई गाड़ियाँ लॉन्च करें जैसे इंडिया में टिक रहे, क्योंकि इसका इंजन बहुत तगड़ा होता है, सब लोग यही बोलते जो भी बैठता है निशान का इंजन बहुत अच्छा है, टोयोटा का और निशान का, और कंपनियों के बारे में कोई बोले नहीं बोले, लेकिन टोयोटा का और निशान के बारे में ज़रूर बोलता है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।